वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया है साबूदाने का बड़ा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी कॉल पर सेट करें ताकि आने वाली कोई भी ऐसी नई रेसिपी आप मिस न कर पाए। इसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है। ये साबूदाना है एक कटोरी और ये दो आलू है उबले हुए, इसको हमने उबाल करके और छील लिया है। और एक ये हरी मिर्च है, इसे धो करके हमने बारीक काट लिया है। और ये हरा धनिया है, इसे भी हमने धो लिया है। और ये देखिए साबूदाना को हमने 4-5 घंटे के लिए पानी में डाल करके छोड़ दिया था। और ये देखिए बिल्कुल इस टाइप से हो गया है। तो चलिए हम बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले लेंगे एक बर्तन और इसमें डाल देते हैं ये साबूदाना। इसके बाद डाल देंगे इसमें ये हरा धनिया, हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए हरी मिर्च। और ये उबले हुए आलू है, इसको हमने हाथों से अच्छी तरह से मैश करके डाल देना है। तो ये नवरात्रि में आप बना करके इसे खा सकते हैं, किसी भी फास्ट में बना खा सकते हैं। और इसमें ज्यादा मसाले ऐड नहीं करना है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है इसमें। अगर आप डालना चाहें तो साबुत जीरा डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ये पीसी हुई जीरा है, जीरा पाउडर। और लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप नमक खाते हैं तो व्रत वाले नमक डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं बिना नमक के। मैं खाती हूँ इसलिए मैं बिना नमक वाले बना रही हूँ। और इनको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर ले सारी चीज को। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिए हैं। अगर आप आलू खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम वड़ा का शेप देंगे, देखिए इस तरह से। इसमें बीच में अगर छेद करना चाहते हैं तो आप छेद भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इस बनाने में इसे। और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और पेट भी बढ़ जाता है। तो आप जरूर इस नवरात्रि से ट्राई करें। तो देखिए इधर हमने कढ़ाई में घी रख दिया है गरम करने के लिए और घी बिल्कुल गरम हो गया है। तो इसमें हमें डाल देते हैं वड़ा और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अगर आप कम तेल में खाना पसंद करते हैं तो आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम पलट लेते हैं और दोनों साइड से अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सारे बड़े को हम पलट लेते हैं। बिल्कुल ही बढ़िया से हो गया है फ्राई। अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो सारे हम निकाल लेते हैं, फिर प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।